We have studied about tense in our previous chapter. Chapter number 14 is based on the tenses. I hope you have understood what is tense. So, in the next chapter, we further studied about the types of tenses. Okay. So, first, this is the video of chapter number 15 of class 6th English grammar. Chapter number 15. The name of the chapter is the present tense. Do you know what is present? Do you understand the meaning of present? Present ka meaning kya hota hai? Chaliye bataiye aap mujhe. Present ka matlab hota hai currently, recent, jo aapke paas filhal hai, yani jo aapka hai abhi, wo hota hai aapka present. Theek hai? The present tense of the verb indicates a state or an action that happens in the present times. Present times us इन एक्शन को इंडिकेट करता है जो प्रेजेंट टाइम्स में हुआ है. ये तो आपको पता चल गया था ना टेंस क्या होते हैं. अब आप उसके टाइप्स पढ़ेंगे, टेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं. तो सबसे पहला आपका है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में आपको पता चल गया है कि द एक्शंस दैट हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम्स दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंट टेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ गुड एक्टर, वो गुड एक्टर है यानी अभी है. He live in Goa, वो गोवा में रहता है यानी अभी इसी वक्त रहता है. She is singing a song, वह गाना गा रही है, means गाना अभी गा रही है just. Okay, the present tense can be of four types: simple, continuous, perfect and perfect continuous. First of all, we will study about simple present tense. Simple present tense is used to refer to an action that happens in the present times. It is also used for actions that happens regularly or are universal truth. Simple present tense उस चीज़ को refer करता है जो actions या जो happenings आपकी present times में होती हैं और जो आपके universal truths होते हैं. जैसे she visits Chennai often, वह अक्सर Chennai often जाती है. ओके, चेन्नई को विजिट करती है यानी करती है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है ईस्ट में निकलता है. ये आपका क्या है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपका कभी चेंज नहीं हो सकता. सूरज जो है वो हमेशा ईस्ट में ही निकल सकता है. ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस आपके होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं. फॉर्मिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस द In the simple present tense, the base form of the verb is used. If the subject of the sentence is in the third person and singular number, we add s to the verb in the simple present tense. कैसे बनाएंगे simple present tense का sentence हम? अगर हमारा जो sentence है वो simple present का है या हमें बनाना है उसका, तो हम क्या use करते हैं? बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, रूट फॉर्म जो होती है वो यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस ऐड कर देंगे, और अगर प्लूरल है तो आप एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे. आपकी जो मेन फॉर्म है, जो आपकी रूट फॉर्म है, वो एज इट इज़ आपकी आएगी. अब देखिए एग्जाम्पल, शी लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट. ठीक है, शी लव्स, लव आपकी रूट फॉर्म है और एस क्यों लगा है? क्योंकि शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन. शी जो है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो थर्ड पर्सन के होते हैं वो सिंगुलर में आते हैं प्रोनाउंस, तो इसलिए हमने लव में एस लगाया. ओके, करीम नोज हाउ टू मेक पेपर बोर्ड्स. करीम क्या है? करीम जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए नो में हमने एस लगाया. इन दोनों में आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए मेन वर्ब में रूट फॉर्म में आपका एस ऐड हुआ है. ओके, और अगर आपका जो है प्लूरल आता है, जैसे दे लव्स टू पेंट पोर्ट्रेट, ठीक है, तो हम उसमें लव्स नहीं करेंगे, क्या करेंगे? लव, दे लव. करीम एंड रहीम नो हाउ टू मेक पेपर्स बोट. ओके, तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाता है तो हम एस और ई एस हटा देते हैं, और अगर सिंगुलर रहता है तो एस और ई एस ऐड होता है. द निगेटिव इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग डू डज नॉट टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ, रूट फॉर्म के साथ डू और डज का यूज़ करना होता है. डू इज़ यूज विद प्लूरल नाउन्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, एंड डज इज़ यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक फुटबॉल, आई इज़ ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन, तो
सो वी यूज़ हेयर डू शी डज नॉट स्लीप लेट शी डज नॉट बिकॉज शी इज़ सिंगुलर सो वी यूज डज हेयर इन negative sentence that interrogative is formed by using do or does plus subject plus base form यानी जब आप negative का interrogative अगर बनाएंगे या फिर आप interrogative sentence आपको simple present में बनाना है तो आप क्या करेंगे do or does को पहले लगा देंगे और बाकी sentence आपका as it is रहेगा last में question mark आ जाएगा ये तीन affirmative negative और इंटेरोगेट तीनों सेंटेंस के आपके स्ट्रक्चर्स हैं उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन व्हिच आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कॉन्टीन्यूअस में वो वाले काम होते हैं जो आपके कंटिन्यूसली हो रहे हैं जो चल रहे हैं है ना इसलिए ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है जैसे शी इज चैटिंग विद हर फ्रेंड्स यानी उसका जो काम है उसकी जो चैटिंग है वो कंटिन्यू है अभी चल रही है आई एम लीविंग द लाइब्रेरी नाउ यानी लीविंग कर रहे हैं जा रहे हैं ठीक है तो वो वाले सेंटेंसेस जो कंटिन्यूअसली चलते हैं वो एक्शंस जो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं आपके कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं फॉर्मिंग कैसे बनाएंगे आप वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैव द फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर आई वी यूज एम विद आई प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी आपकी जो रूट वर्ब होती है उसमें आपको आई एन जी यूज करना होता है इट इज़ वेरी सिंपल टेंस इट इज़ वेरी इजी सिर्फ आपको क्या करना है आप पहले से जानते हैं कहाँ पर आपको आई सॉरी एम इज आर का यूज़ करना है उसके साथ आपको जो मेन वर्ब है उसके साथ आई एन जी ऐड कर देना है जैसे वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आई वी प्लूरल में आता है बल्कि उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन थर्ड पर्सन इज और मेन वर्ब प्लस आई एन जी द निगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एम आर इज प्लस नोट अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप इज आर एम के बाद नोट यूज़ कर देंगे Example, is she crying? Are you crying? She is crying. She is not crying. Okay? उसके बाद आपका आता है present perfect tense. The present perfect tense denotes an action that has been completed at a specific time in the present and whose effect are still there. मतलब ये क्या वो वाले actions जो complete हो चुके हैं पास्ट में नहीं गए वो प्रेजेंट टेंस में ही हैं लेकिन कंप्लीट हो चुके हैं तो वो क्या आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं जैसे आई हैव मेड रोटी फॉर डिनर रोटी पका ली है यानी अभी पकाई है प्रेजेंट में ही पकाई है बहुत पहले नहीं पकाई थी शी हैज़ फिनिश्ड ईटिंग हर फूड उसने अपना जो है फूड वो ख़त्म कर लिया है अभी किया है बहुत टाइम पहले नहीं किया था जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुके हैं वो वाले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं कैसे बनाते हैं द असर्टिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेक्स द फॉर्म हैव हैज़ प्लस पास्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ द वर्ब रोहन हैज़ बोट ऑल द बलून्स नीडिड फॉर डेकोरेटिंग द बॉल हॉल इसमें आपका हैज़ और हैव यूज होता हैज़ सिमिलर सब्जेक्ट के साथ हैव प्लूरल के साथ और आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है यानी ई डी और टी वाली थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं द निगेटिव सेंटेंस हैज़ द फॉर्म हैज़ हैव प्लस नोट अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको हैज़ हैव के बाद नोट का यूज़ करना है और इंटेरोगेटिव में आप पहले हैज़ और हैव लगा देंगे जैसे दे हैव नोट गोट एनी अबाउट हिज वेयर अबाउट्स ठीक हैव यू सीन माई बैग नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस shows an action that started in the past but it is still continuing it takes the form has have plus been plus verb plus ing wo actions wo verb jo aapke past mein start hue the lekin abhi tak bhi chal rahe hain abhi tak bhi continue hain usme aap wo sentence aapke present perfect mein aate hain aur iska ise aap kaise banate hain has aur have ka bhi use hota hai been bhi use hota hai aur verb ki main verb रूट फॉर्म यूज़ होती है और आई एन जी फॉर्म यूज़ होती है जैसे शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग यानी पास्ट मॉर्निंग था अब क्या है अब आफ्टरनून है या फिर अब इवनिंग है तो मॉर्निंग जो था वो पास्ट में हो गया तो पास्ट में वो स्टार्ट हुआ था उसने पढ़ना शुरू किया था ठीक है वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द प्ले फॉर टू डेज दो दिन पहले से जो है हमारा वर्क स्टार्ट हुआ था ठीक है तो इसलिए जो काम पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं फॉर्मिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
असर्टिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेक्स द फॉर्म हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर। द नेगेटिव हैज द फॉर्म हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ठीक है, द कैट हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर टू डेज। ठीक है, द कैट हैज नॉट बीन, हैज के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। हैव यू बीन लिसनिंग, अगर आपको वही आपका स्ट्रक्चर है, अगर आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो आपकी हेल्प, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं, डू डज हैज हैव, ये आपकी पहले आ जाती हैं। वर्ब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपकी टेबल दी हुई है चारों सेंटेंस के ऊपर, इसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स, यहाँ पर वर्ब्स दी हैं, मॉनसूनस अकर इन द इंडिया एंड अदर ट्रॉपिकल एरियाज देयर, तो इसे आप उसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर आपको बी लिखा दिया है, जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ पर आपको इज आर एम फिल करना है कोई भी। ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग रेनफॉल, ठीक है, ऐसे ये आप कंप्लीट कर लेंगे अपना एक्सरसाइज वर्क अकॉर्डिंग टू टेंस। डोंट फॉरगेट द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब indicates a state or an action that happens now or at the time of speaking. The present tense can be of four types: simple, continuous, perfect and past perfect. Sorry, perfect continuous. तो ये तो था आपका present, ठीक है, इसके बाद आपका आता है past tense। ये मैंने एक साथ इसलिए लिया है ताकि आपको दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे, सिर्फ इतना फर्क होगा कि वो present है और ये past है। प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट रहता है, इतना आप सिक्स क्लास में इतना तो समझते हैं ना प्रेजेंट का मतलब, और ये पास्ट है तो इसमें सब कुछ पास्ट का रहता है, बाकी सेम उसी तरह होता है। पास्ट टेंस हमें क्या बताता है, वो एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में हुए हैं, जैसे ही वाज एन आउटस्टैंडिंग एथलीट, वो था, अच्छा एथलीट था। माय अंकल वर्कड फॉर अ बैंक, मेरे अंकल एक बैंक में काम करते थे, यानी अब नहीं करते हैं। शी केम फर्स्ट इन द एग्जाम, वो एग्जाम में फर्स्ट आई थी, यानी अब नहीं है, पहले आई थी। द पास्ट टेंस इज ऑफ फोर टाइप्स, वो भी जैसे प्रेजेंट फोर टाइप्स होता है, ये भी फोर टाइप्स होता है, वही सेम इसके भी नाम होते हैं, बस उसमें प्रेजेंट आता है, इसमें पास्ट आता है। The simple past tense is used to refer to actions that were completed before the time of speaking. Simple past में उन actions के बारे में बताया जाता है जो speaking के time से पहले हो चुके हैं, जैसे नरेंद्र was late for school, यानी हम अब बता रहे हैं लेकिन वो कब late था, पहले late था। The dog barked last night, हमने अब बताया लेकिन dogs कब ने कब बार किया, last night, ठीक है। Forming the simple past tense, कैसे बनाते हैं, टू फॉर्म द सिंपल पास्ट वी जनरली एड डी और ई डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट में आपकी या तो रूट फॉर्म रहती है या फिर उसमें एस ई एस एड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, बट इन द पास्ट टेंस वी जनरली यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें क्या लगा होता है, डी या फिर ई डी लगा होता है, जैसे कृष्णा waved at her friends, wave, क्योंकि wave में already e होता है तो इसलिए d लग जाता है। We cheered for our team during the match, इसमें e d लगाया है, ठीक है। ये आपका था simple past tense। The negative formed by adding did not to the base form of the verb, देखिए जब simple past होता है तो आपका second form use होती है, लेकिन जब assertive sentence होता, sorry अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट वाला, जब आप कोई सिंपली बात बता, लेकिन जब आपका निगेटिव सेंटेंस होता है, जब आपको नहीं में बात करनी होती है, तब आपकी वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आपकी जो वर्ब लगेगी वो पास्ट पार्टिसिपल वाली नहीं लगेगी, बल्कि वो रूट फॉर्म, रूट वर्ब लगेगी, जैसे आई डिड नॉट लाइक, वी हैव यूज्ड हेयर लाइक नॉट लाइक्ड, शी डिड नॉट गो, वी हैव यूज्ड हेयर गो नॉट went, okay, remember this, when we use helping verb we have to use root form, okay। The interrogative forms has the structure did plus subject plus base form of the verb, इसमें वैसे ही क्योंकि past की जो helping verb है वो did है और present की जो helping verb है वो do or does है, तो पहले helping verb आ जाती है, वैसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस है। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट,
मदर वॉज हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क. मदर वॉज हेल्पिंग मी इन माई होमवर्क. ठीक है, तो ये आपका जो था कंटिन्यू था, लेकिन किस में था? पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं था. द ड्राइवर वॉज टेकिंग टू द पैसेंजर. ये भी आपका क्या था? कंटिन्यू था, लेकिन पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं था. आप इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? आई ही शी प्लस वॉज प्लस मेन वर्ब प्लस आई एन जी. इस ये भी बहुत सिंपल और बहुत ईजी होता है. इसमें भी आपको वॉज वर्ब का यूज़ करना होता है. वी यूज़ वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर्ब फॉर प्लूरल, और उसके साथ मेन वर्ब में आई एन जी एड कर देते. आई वॉज नॉट प्लेइंग. वॉज शी फीलिंग हंग्री. ऐसे ही वॉज और वर्ब पहले आ जाता है जब आपको क्या बनाना होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वॉज कम्प्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनदर एक्शन. तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? उस एक्शन के बारे में बताया जाता है जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो चुका है और दूसरा एक्शन होने से पहले वो कंप्लीट हो चुका है. इट टेक्स द फॉर्म हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें हैज़ और हैव नहीं यूज़ होता, इसमें हैड यूज़ होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. I had gone to bed when the bell rang. We had finished shopping before the rain started. देखो जब rang bell बजी तो वो बेड पर जा चुके थे, यानी bell बाद में बजी और वो बेड पर पहले जा चुके थे. तो एक काम complete हो गया, दूसरा बाद में हुआ. We had finished shopping before the rain started. बारिश शुरू होने से पहले उन्होंने अपनी shopping finish कर ली. तो finish शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? बारिश हुई. पहले क्या कंप्लीट हुआ? यानी पहले एक काम कंप्लीट हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ. ठीक है, इसके सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? निगेटिव हैज़ फॉर्म हैड, वैसे ही आप इसमें नोट ऐड कर देंगे, बाकी का एज इट इज़ रहेगा. और जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड आपका पहले आ जाएगा. हैड यू रीड दिस बुक बिफोर, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है. आपका लास्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. The past perfect continuous tense shows an action that continued for some time in the past before getting completed. It takes the form had plus been plus were plus ing. ठीक है, ये किसे बताता है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट. जो पास्ट में कुछ टाइम के लिए क्या था? कंटिन्यू था. ठीक है, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 3 months. जो प्रेजेंट में होता है वही पास्ट में होता है, लेकिन क्या है? वो प्रेजेंट है क्योंकि ये पास्ट है. शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 3 months. वो 3 महीने से एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी. दे हैड बीन ट्रेवलिंग अराउंड द कंट्री लास्ट ईयर. ठीक है, आप बनाएंगे कैसे इसके सेंटेंसेस? द असर्टिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेक्स द फॉर्म हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. उसमें हैज और हैव आता है. प्रेजेंट में इसमें क्या आता है? हैड आता है. बाकी सब स्ट्रक्चर वही रहता है. नॉट हैड के बीन यूज, हैड के बाद यूज़ होता है. हैड और बीन के बीच में आपका नॉट यूज़ होता है. किस लिए? आपका निगेटिव सेंटेंस जब आपको बनाना हो. शी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल रेगुलरली. वे रेगुलर स्कूल नहीं आ रही थी. हैड आई बीन टेकिंग इन माई स्लीप. ठीक है, हैड आपका पहले आ जाता है इंटेरोगेटिव में. ये आपका टेबल है. जैसा टेबल प्रेजेंट में था वैसे ही पास्ट में है. ठीक है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है. आई वेंट पास्ट कंटिन्यूअस है. आई वॉज गोइंग पास्ट परफेक्ट. आई हैड गोन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. आई हैड बीन गोइंग. इस तरह आप टेबल देख लेंगे, इसी तरह आपको सेंटेंस बनाना है. I go to United States of America last year. I went. ठीक है, the balloon as the touched it bursted. तो ये भी आप कंप्लीट करेंगे और वो वाली एक्सरसाइज भी अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे. बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है आपका, ना ही आपके पास ज़्यादा एक्सरसाइज है, इसलिए डोंट वरी. ओके, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है. आपको सिर्फ बुक में वर्क कंप्लीट करना है आपका. मैंने इसीलिए एमसीक्यूज़ भी नहीं भेजे हैं इनके. पहले आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए. टाइम अगर होगा तो एमसीक्यूज़ मैं भेज दूँगी, नहीं तो जो आपका आपके आ चुके हैं उसी में से आपके आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर. और उसके अलावा भी आप बड़े बच्चे हैं, आपको चैप्टर को समझना चाहिए. अगर चैप्टर में से कोई आता भी है क्वेश्चन आपका तो नो नीड टू बी वरी. ठीक है, तो अपना वर्क कर लेंगे आप. ये बुक में
सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।